हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, आज जी हाँ आज पराठे खाए। किस चीज़ के? बटर चिकन के, मटन के, आलू प्याज के, और भी बड़ी सारी वैरायटी। और इस जगह के बारे में हमें कहाँ से पता चला? जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में इनके बारे में छपा था। तो हम भी पहुँच गए पराठों के नज़ारे लेने। कहाँ आए हैं, क्या रेट है, सब दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। दिल्ली पराठा कंपनी से गौरव जी हमारे साथ है। गौरव जी, आपका स्वागत है। क्या कॉन्सेप्ट है ये पराठों का? सर, ये हमने पराठे मार्केट में, जब हम रात को हम कॉलेज में पढ़ते होते तो खाने जाते थे, तो लोगों के मैंने पराठे खाए यहाँ पे। हमारे एरिया में, नॉर्थ दिल्ली वगैरह में पराठे मिलते हैं, तो वो काले पराठे होते हैं, मतलब पतले थे, कोई स्टफिंग नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हम क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं। क्लाउड किचन बेसिकली वो होती है कि जिसके सिर्फ डिलीवरी होती है स्विगी जोमेटो पे, बड़ी हाइजीन तरीके से होती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनते हैं पराठे, क्या स्टफिंग हम करते हैं, और कितनी वैरायटी है यहाँ पराठों की। और अगर कोई आए पराठा लवर, वेज नॉन वेज, मैं आपका मेन्यू देख रहा था, दोनों दी। मैं आपको 225 तरह के पराठे खिला दूंगा, और आप मुझे जिस चीज का नाम लोगे ना कि मुझे ये चीज पराठे में स्टफ करके दे दे, मैं आपको वो चीज दूंगा। यहाँ पे बहुत वैरायटी है और बहुत बड़ा मेन्यू है। और कहाँ कहाँ तक डिलीवरी रहती है सर? स्विगी हमारी 13 किलोमीटर, जोमैटो 13 किलोमीटर तक डिलीवर करता है हमारे एरिया से। तो पश्चिम बिहार हो गया, रोहिणी हो गया, आपका इधर करोल बाग हो गया, मतलब काफी नॉर्थ दिल्ली तो पूरा ही कवर हो जाता है। और सपोज कोई टेक अवे लेना चाहे तो यहाँ सर यहाँ पे आ सकता है। हमारा एड्रेस आज हमारा क्रिसमस से दिल्ली टाइम्स में पब्लिश हुआ है कि हमारी क्वालिटी ट्राई करिए लोगों ने, तो हम भी वहीं देख के यहीं पहुंच गए हैं। थैंक यू सर। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं सर? टाइमिंग बहुत यूनिक है हमारा, सुबह 7 बजे खुलता है और ये वापस सुबह 4 बजे तक खुला रहता है। तो सिर्फ 3 घंटे का हम ब्रेक लगते हैं, वो क्लीनिनेस और इस चीजों के लिए हम ब्रेक रखते हैं। वाह, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे कि यहाँ इतनी वैरायटी, 225 तो हम खा नहीं सकते, दो चार बताइए जो यहाँ हर फूडी को यहाँ ट्राई करना चाहिए। मैं आपको हर चीज ट्राई कराऊंगा, मैं आपको हर चीज में, मतलब ये हो गया कि नॉन वेज भी ट्राई कराऊंगा, वेज भी ट्राई कराऊंगा, स्वीट पराठा भी ट्राई कराऊंगा, और लास्ट में आपको स्वीट डिश ना मुंह मीठा करके खुश हो ना हो ना, ए मेरा प्रॉमिस है तुम्हारे नाल। दूसरी चीज, मैं आपको पहला बटर चिकन पराठा खिला दूँ जो हमारा हॉट सेलिंग है, फिर भुना चिकन पराठा खिलाऊंगा। भुना चिकन की जगह भुना गोश्त खिलाता हूँ मैं आपको, क्योंकि मीट और चिकन का डिफरेंस हो जाएगा। फिर मैं आपको वेज में तंदूरी सोया चाप पराठा खिलाता हूँ, आलू प्याज पराठा जो कि राजा है। बस बस बस, मेरे मुंह में पानी आ गया, और चलिए इनके तवे पे चलते हैं। तो लीजिए, टेबल मेरी सज चुकी है, कैमरा क्लोज लाइए, आपको दिखाते हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये बटर चिकन वाला पराठा, ये है आलू प्याज वाला, ये सोया चाप वाला, ये हमारा रबड़ी वाला, ये देखिए, और ये हमने पैकिंग में मटन वाला पराठा, जो इनकी पैकिंग है वो है। आपको ये बता दें, ये क्लाउड किचन है, यहाँ सिटिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं है, हमने जुगाड़ करके यहाँ पे टेबल लगा के आपके लिए रिव्यू कर रहे हैं। आप स्विगी जोमैटो से ऑर्डर कर सकते हैं, टेक अवे ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको कैमरा क्लोज लाइए, आपको दिखाते हैं बटर चिकन पराठा, आपको पराठे दिखाएं कैसे बनते हैं। उससे पहले आप ये लुक देखिए, ये पराठा देखिए कितना बढ़िया से पका हुआ है। रोड साइड स्ट्रीट फूड या कहीं आप पराठे देखते हैं, ऐसे तसल्ली से पके हुए पराठे बहुत रेयर टू रेयर जगह मिलते हैं। इतने शानदार पके हुए पराठे मैंने आज से शायद 3 साल पहले लुधियाना पंडित जी पे देखे थे, उसके बाद आज मेरी ये पराठे बनते हुए आंखें खुल गई हैं। तो कैमरा क्लोज लाइए, सबसे पहले आपको हम इनका बटर चिकन पराठा दिखाते हैं। ये देखिए, दही साथ में सर्व हुआ है, मक्खन है, अचार है, प्याज चटनी है, और मैं आपको ये पराठा दिखाता हूँ, इसके अंदर स्टफिंग देखिए। ये देखिए, ये देखिए, भरा पड़ा है चिकन से, कहीं सांस लेने की जगह नहीं है पराठे के अंदर, देखिए कितना चिकन है। चलिए, इसकी आपको हम प्रिपरेशन दिखाते हैं। तो लीजिए, इस वक्त ये बटर चिकन पराठे की स्टफिंग तैयार होती हुई, रोस्टेड चिकन के बोनलेस पीसेस को अच्छे से चॉप कर लिया गया है, और उसमें जा रही है ये बटर चिकन की ग्रेवी। तो ये स्टफिंग हो गई है तैयार पराठे की। क्वांटिटी देखिए कितनी है चिकन की, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि नीचे जो पराठे का बेस तैयार किया गया है वो छोटा पड़ गया है, लेकिन चिकन की कोई कंजूसी नहीं की गई, बढ़िया से रज बिल्कुल भर दिया गया है। और यहाँ पराठा बनाने का स्टाइल यही है, पहले नीचे एक बेस में
रोटी रखी गई, उसके अंदर स्टफिंग की गई और उसके ऊपर एक और रोटी रख के इसको ढक दिया गया है। लीजिए पूरी पराठा अच्छे से फिल हुआ हुआ और स्टाइल देखिए, ज़्यादा स्टफिंग वाला अगर पराठा अगर आप अपने घर भी बनाना चाहते हैं तो ये टेक्निक सीख सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी टेक्निक है, ढेर सारी स्टफिंग और ऐसे पराठे को तैयार किया जाए तो ढेर सारी स्टफिंग अंदर आ जाएगी। और सर ये आटा ही रहता है, आटे का पराठा ही रहता है, मैदा वगैरह मिक्स तो नहीं है ना? तो ये देखिए तवे के आगे देखिए सामने लिखा है नॉन वेज तवा, तो वेज और नॉन वेज तवे दोनों अलग हैं। और ये हमारा जा रहा है बटर चिकन पराठा, हल्के हल्के हाथों से, टेक्निक देखिए कितनी प्यारी है, बेलने की जरूरत नहीं पड़ी, अच्छे से भर दिया गया पराठा और तवे के ऊपर ही एक टाइप से कहिए इसको बेला जा रहा है। वाह मुझे बड़ा अच्छा लगा ये तरीका। तो एक तरफ से हल्का सा जब पका तो पलटा दिया गया है दूसरी तरफ से पकने के लिए। और जैसे ही तेल लगाया खुशबू आनी शुरू हो गई है, और तेल नहीं यूज़ किया जाता यहाँ पे, ये अमूल बटर यूज़ किया जा रहा है, अमूल बटर में पकाया जाता है। बढ़िया प्यारी महक, इसको करारा गोल्डन ब्राउन कर लिया जाएगा। क्या लुक निकल के आई है पराठों की, बटर चिकन पराठा देख के आपकी आंखें फट गई होंगी। और जितने यहाँ पे पराठे हैं सबकी प्राइसिंग आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। आइए आपको नॉन वेज पराठे के बाद वेज पराठा दिखाते हैं। ये देखिए ये है सोया चाप पराठा, जी हाँ ये देखिए इसमें भी अच्छी सी स्टफिंग, ये देखिए कितनी सारी स्टफिंग है। चलिए आपको सोया चाप पराठे की प्रिपरेशन दिखाते हैं। तो लीजिए आज एक नए स्टाइल के आपको पराठे दिखा रहे हैं। जी हाँ सोया चाप ने बाजार में, दीवाने हैं लोग सोया चाप के, और यहाँ पे हम सोया चाप वाला पराठा बनवा रहे हैं। जी हाँ ये रोस्टेड सोया चाप थी इनकी, बिल्कुल ऐसे मैरिनेट हुआ हुआ, ऐसे तैयार हुआ लग रहा था जैसे कोई चिकन तैयार हुआ हो। तो ये मसाले जाते हुए, ये स्टफिंग पे ऊपर से क्या डाला भैया आपने? चाट मसाला। चाट मसाला और ये नींबू का रस जाते हुए, वाह तो ये सोया चाप जिसके ऊपर चाट मसाला डाला गया, धनिया डाला गया और अब इसकी ये हो गई है स्टफिंग। तो लीजिए ये गया तवे पे वेज सोया चाप वाला पराठा, और आपको एक दोबारा मैं दिखाता हूँ, नॉन वेज का यहाँ तवा अलग है और वेज का यहाँ तवा अलग है। ये वेज वाले के ऊपर वेज पराठा तैयार होते हुए, इसको 2-4 मिनट लगेंगे और बिल्कुल क्रिस्पी लाल गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ये। और यहाँ एक चीज नोटिस की, तवा तो अलग है ही है, कड़ची भी अलग है और बटर भी अलग है। तो वेज की कड़ची तवा बटर अलग, नॉन वेज की तवा कड़ची बटर अलग। मेरे वेज दोस्तों के लिए साथ में दही सर्व हुआ है, अचार है और साथ में वो भी है मक्खन। तो चलिए इसको दही के साथ देखते हैं।
स्मोकी फ्लेवर है, सोया चाप का भरपूर बढ़िया टेस्ट आ रहा है। ये एक नई चीज़ है। अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो सोया चाप पराठा जरूर ट्राई करें। तो लीजिए अब हमारे लिए लगता हुआ मटन वाला पराठा। जी हाँ, भुना गोश्त पराठा। ये देखिए, मटन की महक बड़ी प्यारी है। इसको ये मटन को चॉप कर लिया गया है और ये इनकी एक मटन ग्रेवी है, उसमें मटन के पीसेस को मिक्स कर लिया गया है। हरी मिर्चें आपको दिखती होंगी, खुशबू बड़ी महक बड़ी प्यारी इस मटन की। और लीजिए पराठा, अच्छे से मटन देखिए, क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो ये स्टाइल अलग है, जो बटर चिकन वाला था उसका स्टाइल ये था कि दो लेयर पराठों की उसमें स्टफ किया गया था, और ये हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल पराठों का। जी हाँ, अच्छे से स्टफ कर लिया गया है। तो ये तवे पे जा चुका है मटन वाला पराठा और अच्छे से स्टफिंग की गई है, आप देख सकते हैं। ये पराठे देखते हुए मुझे अपने शुरू के दिन याद आ गए। मैं लुधियाना गया था पंडित जी के पराठे कवर करने, सेम वही फील आ रही है, बस यहाँ फर्क ये है वो वेजिटेरियन पराठे थे सारे, यहाँ पर दोनों हैं, नॉन वेज भी और वेज भी। और ये देखिए क्या प्यारी लुक निकल के आ रही है इस पराठे की। बर्दाश्त करना मुश्किल है, वेट करना मुश्किल है इसको पूरे पकने की, बस यही दिल कर रहा है कि ये फटाफट पक जाए और मेरे टेबल पे फटाफट सर्व हो जाए। और जो ये तवे की शर की आवाज आ रही है पकने की, इसने मेरी भूख भड़का दी है बिल्कुल। और देखिए पराठा एकदम गोल्डन ब्राउन होने वाला है। और क्या खुशबू है, अमूल बटर में बनता हुआ ये पराठा। तो जैसे कि ये टेक अवे और क्लाउड किचन है, तो ऐसे सुंदर सी पैकिंग होके आती है। इसकी आपको पैकिंग दिखाते हैं, ये पैकिंग कैसी होती है। ये देखिए, ये गया जी, खुल जा सिम सिम। तो ये देखिए टिश्यू है, ऐसे बढ़िया से ये पराठा, इसके अंदर हमने मटन पराठा पैक करवाया है। जी हाँ, ये मैं घर जाके खाऊंगा क्योंकि इतने सारे पराठे भी तो खाने हैं। और साथ में दही है, प्याज है सिरके वाला, चटनी है, अचार है और मक्खन है, वो भी अमूल का। तो आप ये देखिए कि ये टेक्निक देखिए, ये स्पेशल कैविटी कहते हैं जिसको, या एक स्पेशल अलग से कह लीजिए देसी लैंग्वेज में, कि ये अलग से गत्ता है, गत्ते रखा गया है, उसके ऊपर पराठा रखा गया है। वो इसलिए है कि नीचे दही है, मक्खन है, बाकी चीज़ें हैं, वो चीज़ें इसके सेक से ख़राब ना हो जाए। तो एक बहुत बढ़िया टेक्निक यूज़ की गई है पैकिंग में भी, पैकिंग में भी दिमाग लगाया गया है। तो आपको हमने इतने दिखा दिए हैं, लेकिन हम अब आपको दिखाएंगे किंग। जी हाँ, किंग पराठों का किंग, आलू प्याज का पराठा। और चलिए इसकी आपको प्रिपरेशन दिखाते हैं। तो लीजिए पेश है द किंग ऑफ पराठा। जी हाँ, आलू का पराठा, और ये हमारे लिए बनता हुआ आलू प्याज का पराठा। और पराठा शेफ से पूछते हैं कि ये स्टफिंग में क्या क्या रहता है। शेफ, इसमें आलू में क्या क्या चीज़ की स्टफिंग रहती है। आलू है, प्याज है, कोरिएंडर है, ग्रीन चिल्ली है, और जैसे में मसाले हो गए, नमक हो गए, आपको जीरा पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया। जीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी आप पराठे खाने आओ और आलू प्याज का ना खाओ तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर आलू प्याज का पराठा अच्छा ना बने तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे पराठों से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती।
तो आलू प्याज का पराठा वेजिटेरियन को भी पसंद है और नॉन वेजिटेरियन को भी पसंद है। और ये पराठा जाते हुए स्पेशल वेज वाले तवे के ऊपर। तो हमने आपको यहाँ इतने पराठे बनते दिखाए, तो जो सबसे डिफरेंट स्टाइल था बनने का वो था बटर चिकन पराठे का, और बाकी सारे वही ट्रेडिशनल स्टाइल से स्टफ करके अच्छे से गोला बना के तैयार किए जाते हैं। तो मक्खन मैंने डाल लिया है, इतना करारा इतना बढ़िया पका हुआ तवे वाला पराठा खाए सालों हो गए हैं। आंखों के आगे मेरे वही लुधियाने के पंडित जी पराठे, और दिल्ली में अगर ऐसे शानदार पराठे मिलने लग जाएं तो बात ही क्या निराली है। तो बाइट लेते हैं। स्टफिंग हमने आपको दिखाई प्रिपरेशन में, कितनी बढ़िया स्टफिंग है आलू प्याज की, कोई कंजूसी नहीं। ओह गरम गरम मज़ा आ गया, हल्का सा मक्खन थोड़ा सा दही। वाह नज़ारे आ गए। आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा स्पाइसी भी करा सकते हो। स्टफिंग बहुत बढ़िया है, किसी चीज़ की कोई कमी पेशी नहीं लग रही। चाहे आप छोटे बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग हो या मेरी उम्र के हो, ये सबके लिए बढ़िया पराठा है। तो लीजिए आखिरी में ये देखिए, ये देखिए कितनी रबड़ी लगी हुई है, कितना पिस्ता है, बादाम है, काजू है। चलिए इसकी प्रिपरेशन दिखाते हैं हम आपको। ये क्योंकि सबसे आखिरी में हम इसलिए ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ये डिज़र्ट वाला पराठा है, मीठा पराठा है, यहाँ बहुत वैरायटी है। ये इनकी रिकमेंडेशन थी, ये ट्राई करा तो हम ये ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ अलग दिखेगा, पराठे की शेप एकदम चेंज हो गई है। और आप देखते रहिए क्योंकि ये स्पेशल पराठा यहाँ तैयार होते हुए। आपको चिकन का दिखा दिया, मटन दिखा दिया, सोया चाप का दिखा दिया, आलू का दिखा दिया, लेकिन आखिरी में एक मीठा, जी हाँ मिठास वाला पराठा तैयार होते हुए। और लीजिए पराठा हमारे वेज तवे पे जा चुका है। तो लीजिए देखिए लेयर्स वाला पराठा तैयार होते हुए, गोल्डन ब्राउन हो चुका है, लेयर्स वाला पराठा तैयार हो गया है और ये लेयर खोल दी गई है। और अब इसमें जा रही है रबड़ी। जी हाँ ये देखिए रबड़ी, देखिए अच्छे से रबड़ी। ये रबड़ी में क्या क्या रहता है सर? ये रबड़ी में पहले तो दूध की रबड़ी बनती है, ये तो आपको पता ही है। फिर इसमें ना बहुत सारे ड्राई फ्रूट डालते हैं, आप देखो बादाम नजर आ रहा, काजू है, पिस्ता है, इलायची है, हरी इलायची है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें, बिल्कुल भरा हुआ है। अब हम इसके ऊपर भी ड्राई फ्रूट की कोटिंग करेंगे, आपको दिखेगा कि मतलब मजा आ जाएगा, आप खा के देखना एक बार। तो मैं हमेशा कई जगह मैंने पराठे वाली गली में भी देखा है ऐसे पराठे कुछ मिलते हुए, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं होती खाने की। तो आज मेरी आंखों पर आप दोबारा आओगे, पक्का पक्का प्रॉमिस है। तो गौरव जी ने कह दिया है कि ये खाने के बाद मैं दोबारा आऊंगा। और ये अच्छे से रबड़ी स्टफ कर दी गई है और ऊपर अब ये ड्राई फ्रूट सजा दिया गया है। बादाम मुझे दिख रहा है, पिस्ता मुझे दिख रहा है, काजू दिख रहे हैं। तो लीजिए एक शाही पराठा कहेंगे हम इसको, शाही पराठा तैयार होते हुए। तो लीजिए मुझे नहीं लगता इसके साथ दही की कोई ज़रूरत है या किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है, ये ऐसे ही खाते हैं। पराठा बिल्कुल पतला क्रिस्प है और
वो रबड़ी इतनी स्वाद है, रबड़ी के टेस्ट को दबा भी नहीं पा रहा, उल्टा एनहांस हो रहा टेस्ट। जब पराठा आपके जुबान पे जाएगा उसके एक सेकंड बाद आपको रबड़ी हिट करेगी जुबान पे, नज़ारे आ जाएंगे। गर्मा गर्म ये ऐसा पराठा खाइए, नज़ारे आ जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। और जैसे कि यहाँ के ऑनर ने मुझे कहा था कि आप एक बार खाओगे दोबारा दोबारा खाओगे, ये वही वाली चीज़ है। तो लीजिए पेश है इनका डिज़र्ट है ये शाही टुकड़ा। ये देखिए मीठी ब्रेड है उसके ऊपर रबड़ी लगाई हुई और डिज़र्ट, क्या डिज़र्ट है ऊपर देखिए ड्राई फ्रूट। इसको चम्मच से नहीं, इसको ऐसे खाएंगे हम। ये देखिए क्रिस्पी ब्रेड, मीठी ब्रेड चाशनी वाली। ये जगह पराठों के नाम पे है लेकिन यहाँ की डिजर्ट A1 है। तो मैं ये कहूँगा यहाँ आइए खाइए, नॉन वेज पराठा तो बिल्कुल मत छोड़ना। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या खाया जाए तो आलू प्याज पराठा A1 है और उसके बाद डिजर्ट में शाही टुकड़ा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।